हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चन को देखेंगे 2020 के एचएसएलसी हायर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपका कंडक्ट होता है सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम के द्वारा। आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कैन कॉल अस एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल। लर्न फ्रॉम होम एंड स्टे अपडेटेड, घर बैठ के आप शिक्षा ले सकते हैं इंजीनियर अभिषेक कुमार के द्वारा, और गाइडेंस विल प्रोवाइड बाय यू। हम लोग देखते हैं जो आपका हम लोग डिस्कस करें आज, जनरल मैथमेटिक्स फुल मार्क्स 90 और पासिंग मार्क्स जो आपका 27। आपका पाई का वैल्यू दिया हो गया, तो आप हिंट ले सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, आप यहां से हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब देखिए, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है भाई, आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 4, 2, 5, 2, 8, 5, 7 जो है रिपीटेड हो रहा है, इसलिए आपका इरेशनल नंबर आपका नहीं होगा। फिर देखिए 22/7, ये तो कह सकते हैं कि पाई का वैल्यू है, तो इसमें आपके इरेशनल नंबर ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। तो देखिए, इरेशनल नंबर होता है कि आपका इंटीजर के फॉर्म में आप उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और उसका है कि आपका जो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ से तो ये आपका रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये √4/11, तो ये भी आपका 2/11 को फॉर्म कर रहा है। तो इस हिसाब से पाई जो आ जाएगा आपका वैल्यू, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटेड आपका एक तरीके से वैल्यू देता है और नॉन पीरियोडिक देता है, तो इस हिसाब से आप लोग का सी आ जाता है। क्योंकि जो है 22/7 इज रिलेटिव आपका नंबर एक लिखा गया है, जो कि ऑलरेडी आपका एक रेशनल नंबर है, तो इस हिसाब से हम लोग का सी आ जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। एनी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शन। तो पाई आपका इरेशनल नंबर, पाई का वैल्यू देखिए नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड रहेगा। द नंबर ई यूलर नंबर इज इरेशनल नंबर, ये आपका वैल्यू आ गया। द गोल्डन रेशियो इज एन इरेशनल नंबर, 5 आ गया। देखिए, एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर डेट कैन नॉट एक्सप्रेस एज फंक्शन पी बाई क्यू फॉर एनी इंटीजर पी एंड क्यू। हम लोग आगे देखते हैं। एन इरेशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन डेट नाइदर टर्मिनेट नॉट बिकम पीरियोडिक, एवरी ट्रांसलेटर नंबर इज इरेशनल नंबर कहलाता है आपका। फिर होगा, एन इरेशनल नंबर इज रियल नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर। फिर देखते हैं, व्हेन एन इरेशनल नंबर इज रिटन विथ डेसिमल पॉइंट द नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इन्फाइनेटली विथ नो रिपीटेड। मतलब कि आपका नॉन टर्मिनेटेड आपका चलते जाएगा और नॉन पीरियोडिक आपका रिपीटेड नहीं कर होगा, तो यहाँ पर इरेशनल नंबर कहलाता है। तो दीज आर द नंबर यू कैन से इट इज आर द इरेशनल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आप लोग का हम लोग के सिलेबस से ही आए, हम लोग के पढ़ाए हुए कंटेंट से ही आए, सो आप देख सकते हैं। ऑल आर अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन टू है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब आपका दिया गया एबीसीडी, तो यहाँ पे सॉल्व करिए, आपका डी आ जाएगा इजीली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर फॉर लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1 x b1 y c1 equal to 0, a2 x b1 b2 y c2 equal to 0, a1 y2 not equal to b1 y b2, तो then the pair of linear equation has one solution. If they intersect each other, it has unique solution. फिर a1 y2 b1 y b2 के इक्वल होगा, और वो c1 y c2 के इक्वल होगा, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफिनिट या मेनी सॉल्यूशन। इफ दे कोइंसाइड ईच अदर देन इट हैज मेनी सॉल्यूशन। अब है कि इसमें c1 c2 के इक्वल नहीं हो रहा, b1 b2 या a1 a2, ये देन द पेयर ऑफ हैज नो सॉल्यूशन। तो यहां पे देख सकते हैं, द फॉर्म पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन में कहां सॉल्यूशन मिलेगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इक्वेशन 1 आपका, इक्वेशन 2, इन दोनों का a1 by a2 निकाल लीजिए, b1 by b2 निकाल लीजिए, c1 by c2, यहाँ पे देख सकते हो, देन द पेयर इक्वेशन नो सॉल्यूशन। मतलब c1 by c2 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इफ दे फॉर्म पैरेलल लाइन देन इट हैज नो सॉल्यूशन। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे a1 by a2 निकाल लीजिए, b1 by b2, c1 by c2, देन द पेयर फॉर्म द इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन। इफ दे कोइंसाइड ईच अदर इट फॉर्म द इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन। तो इजी रहता है, बस आप कंडीशन को माइंड में रखिए, रिवाइज करिए अपने कंसेप्ट को, यू विल गेट इजीली मार्क्स। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तो आपका आंसर आ गया -2/3। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, एक एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। सो इजीली सॉल्व करिए और मार्क्स लीजिए। अब यहाँ पे है द 26th टर्म ऑफ एपी, तो अब सॉल्व करिएगा, आपका भी आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, वे tn इज इक्वल टू जो होता है लास्ट टर्म आपका होता है nth टर्म,
ये जो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, कोई भी ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, टी एन माइनस वन, तो आपका ए जो है आपका जीरो, एन 26, डी आपका माइनस फोर, माइनस फोर माइनस जीरो आपका माइनस फोर ही आएगा। तो टी 26 ए प्लस एन माइनस वन इंटू जीरो प्लस 26 माइनस वन इंटू माइनस आपका फोर, 25 माइनस फोर आपका आपका माइनस 100 आ गया। सो इजली है, सॉल्व करिए, मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ, ए बी दिया हुआ एक्स माइनस वन, बी सी दिया हुआ टू रूट एक्स, बी सी ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ एक्स प्लस वन। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपका कौन सा वैल्यू आएगा, तो इसको सॉल्व करने से आपको पता चलेगा। जस्ट पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है कि भैया ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, तो कहाँ पे आपका जो हो रहा है ए बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। तो जस्ट आप एक बार बी यहाँ पे ले लीजिए, एक बार ए यहाँ पे ले लीजिए और एक बार सी यहाँ पे ले लीजिए, तो जस्ट रोटेट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। हम लोग आंसर क्या बी ए सी, तो पाइथागोरियन थ्योरम देखते हैं। ऑल्सो नोन एज पाइथागोरस थ्योरम इज अ फंडामेंटल रिलेशन इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री अमंग द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल। इट स्टेट दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने ए माना, आपका ए सी टू रूट एक्स, आपका बी सी एक्स प्लस वन और आपका ए बी एक्स माइनस वन, जैसे इसको स्क्वायर कर दिया आप देख सकते हो, तो एल एच एस इज इक्वल टू आपका आर एच एस आ गया। तो यानी कि आपका ए एंगल 90 डिग्री है। अगर इस बार में आपको एजम्पशन में रॉन्ग हो रहा है तो आप जस्ट रोटेट कर दीजिए कि चलिए आप ए सी को मान लीजिए, तो आपका उस आंसर से 3 बार में तो एटलीस्ट आना ही आना है, तो एक एक मिनट भी लगता है तो 3 मिनट में आपका आंसर आ जाता है। तो जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो जस्ट ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन इक्वल टू एच स्क्वायर, तो आपका आ गया। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आपका 4x, तो 4x माइनस 2x आपका 2x आ गया, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इधर भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। सिंपल है, सॉल्व करिए, विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स 7 1 3 5 से इक्वी डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। तो हम लोग एक्स वाई मान लिए, तो एक्स वाई मानने का सॉल्व करिएगा तो आपका सी आ जाएगा। लेट बी बी द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस ए बी, तो आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, एक्स माइनस सेवन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर, फिर आपका एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स वन, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, कुछ भी करिए, निगेटिव कॉमन लेके आपका सेम ही आ जाएगा। तो सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो सॉल्व करिएगा, एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, 49 प्लस 1 आपका 50 आ गया, 25 प्लस 9 आपका 34 आ गया। तो आपका बच्चा जो वो लिख दीजिए, माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6x और आपका माइनस 10y। यहाँ से फिर आप x को सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 14x माइनस 6x, तो 8 माइनस 8x और माइनस 2y प्लस इधर आ जाएगा, तो आपका राइट लेफ्ट साइड में माइनस 8y। अब 8 कॉमन ले लीजिए माइनस 8, तो x माइनस y इक्वल टू 2 आ गया। सिंपल है, गेन द मार्क्स, एंजॉय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 8 cosec स्क्वायर है माइनस 8 cot स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपल सा है आपका 8 आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी वन लाइन का ही है, क्योंकि cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, तो बस 8 को कॉमन ले लेना है, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 इंटू 1 आपका 8 आ गया, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर जो होता है स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो सिंपल आपका ए आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कोई टावर है आपका एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, बी से बेस आपका दिया हुआ है 15, तो ए भी निकालना है, तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, तो लिख दीजिए एच अपॉन 15,
सिंप्लीफाई कर दीजिए, 15/3, तो 15 को 5 इंटू 3, तो 3 को तो √3 इंटू √3, 5 √3 आंसर आ गया। सिंपल सा है, सॉल्व करिए, यू विल गेट द मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए, ऑल सर्कल आर कंग्रुएंट। कंग्रुएंट मतलब क्या होता है, उसका रेडियस सेम होना चाहिए, तो ये सबका रेडियस सेम तो नहीं होता, इसलिए ये आपका एलिमिनेट हो गया। कंग्रुएंट मतलब समान था। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ऑल आइसोसेल थोड़े सिमिलर होगा। अब कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जो भी उसमें भी आपका जो अगर दो साइड इक्वल दे सकता है, तो मतलब कि कोई भी आपका जो ट्रायंगल दे सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपका शेप, जैसे कि मान ली एक शेप ऐसा है, एक शेप ऐसा टाइप का दे दिया, वट एवर द। अब ये अल्फा ही हो गया और ये भी आपका अल्फा हो गया, तो ऐसा से मतलब कि कोई भी आपका दो साइड इक्वल, तो ये तो आपका कन्वर्जेंट या सिमिलर नहीं होगा। ऑल स्क्वायर सिमिलर, जैसे ये कि ऑल स्क्वायर आपका सिमिलर होगा और रेक्टेंगल आर कन्वर्जेंट, तो नहीं सबका, तो आपका जो होगा डायमेंशन चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज हो जाएगा, बीच चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन ज्योमेट्री टू फिगर या ऑब्जेक्ट आर कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। वन ऑफ द सेम हैज द सेम शेप एंड साइज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। मतलब कि आपका सेम शेप एंड साइज जो है ना, मिरर इमेज भी सेम ही होगा, किसी का मिरर भी आपका सेम ही होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रुएंस, तो यहाँ पे तो 3 प्रॉपर्टी ऑफ कंग्रुएंस आर, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ कंग्रुएंस, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कंग्रुएंस, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाई टू द सेगमेंट एंगल ट्रायंगल, तो इससे आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि मतलब कि आप कौन ट्रायंगल कंग्रुएंस फॉलो कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल जो होता है, ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो थीटा दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क सेक्टर पूछ रहा है। तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हिंदी में अगर देखेंगे, तो जब किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण का डिग्री में थीटा है, तो त्रिज्यखंड का, तो जो आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल 12 बाय r, उसे को यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं डेफिनेशन। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है, यहाँ से आप ए भी आपका पूछ रहा है। लेंथ द आर्क ऑफ एन, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज सिंपली द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस, द सर्कमफेरेंस इटसेल्फ कंसीडर्ड फुल सर्कल। डेफिनेशन आपका आर्क मेजर जो होता है, इन सर्कल डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द आपका सेंटर एंगल इंटरसेप्ट एन आर्क, फिर आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, जो भी आपका त्रिज्यखंड जो बोला जा रहा है। इन सर्कल लेंथ ऑफ एन आर्क की जब पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस, द लेटर जो होता है एस आपका यूज टू रिप्रेजेंट आर्क लेंथ, कुछ भी से डिनोट कर सकते हो, व्हाट एवर यू चूज। तो यहाँ से हो गया, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर्क मेजर, जब भी आप मेजर करोगे भैया, अपॉन 360 इक्वल टू यानी थीटा अपॉन 360 और आपका आर्क लेंथ अपॉन सर्कमफेरेंस। आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेंट्रल एंगल थीटा मान लो जो भी है जितना दिया गया, अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस। वही आपने पूछा था आर्क मेजर 360, आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस, तो लेंथ इक्वल टू आपका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, थीटा यहाँ पर लिख दीजिए और 2 से 2 कट आपका 180 हो गया, तो थीटा पाई आर आपका अपॉन 180 आ गया। तो दीज आर सप्लीमेंट्री थिंग्स, सो इजी क्वेश्चन है, आप इजी मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, और भी टेंथ में क्या ही हो सकता है। सो एंजॉय। टू क्यूब ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइन इन टू इन द सर्फेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो कोई भी दो क्यूबॉइड ले लीजिए, उसका ईच का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले आप एल निकाल लीजिए, फिर आपका सर्फेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। तो एल है आपका, तो आपका एल क्यूब 64, तो एल इक्वल टू 4, तो आपका दो को बार ऐड कर दीजिएगा, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, हाइट आपका 4 रहेगा, आपका बी 3 4 रहेगा। सरफेस एरिया आपके बार क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू वेट प्लस विथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो बस सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 80 आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिंपल है, मार्क्स ऑब्टेन करिए, एंजॉय करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपका सेशन वन यहीं पे एंड हो जाता है, नेक्स्ट आपका वीडियो में नेक्स्ट आपका सेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिसिप्लिन ऑफ हाउ लाइकली थिंग इज हैपन।
सो हाउ कोई भी चीज़ आपका प्रोसीड करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन जीरो एंड वन, वेयर रफली स्पीकिंग जीरो इंडिकेट्स इम्पॉसिबिलिटी एंड वन इंडिकेट्स सर्टेनिटी। फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो भाई पी इक्वल टू एन अपॉन एन एस, तो पी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इन जो होगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस। सो दिस इज ऑल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपका बस ये प्रोसेस को फॉलो करिए, मार्क्स में ज्वाइन अवर टारगेट कोर्स, डू ऑल योर कोई आप कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं, तो डू कॉल फॉर ऑल अपडेट, और फिर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।